खबर पटना एयरपोर्ट से सामने आई है। पटना एयरपोर्ट पर यात्री ने किया इंडिगो की फ्लाइट में बम होने का दावा, उसी वक्त ग्राउंड किया गया विमान। हम आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट से उड़ान भर रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। तत्काल एक्शन लेते हुए फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया था। इसके बाद इंडिगो की फ्लाइट की तलाशी ली गई, जिसकी संख्या 6E2126 है। कल यानी 21 जुलाई के रात पटना एयरपोर्ट से उड़ान भर रही एक फ्लाइट में यात्री ने बम होने का दावा किया। हालांकि जानकारी मिलने के बाद फ्लाइट को टेक ऑफ करने से रोक दिया गया था और फ्लाइट को ग्राउंड किए जाने के बाद उसकी तलाशी ली गई थी। हालांकि यात्री के दावे के मुताबिक फ्लाइट से कोई बम बरामद नहीं हुआ और फ्लाइट की तलाशी पूरी होने के बाद आज सुबह उस फ्लाइट को रवाना किया गया। सूत्रों की माने तो पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2126 के उड़ान भरते समय ऋषि चंद्र सिंह नाम के यात्री ने दावा किया कि उसके पास एक बम है, जिसके बाद फ्लाइट को रद्द कर पूरे विमान की तलाशी ली गई। पुलिस ने ऋषि चंद को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। बम निरोधक दस्ते ने फ्लाइट की बारीकी से जांच की, हालांकि फ्लाइट से कुछ नहीं मिला, लेकिन एहतियात के तौर पर उड़ान रद्द कर दी गई और सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतार लिया गया। एयरपोर्ट पुलिस का दावा है कि फ्लाइट में बम होने का दावा करने वाला यात्री ऋषि चंद सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। खबर पटना एयरपोर्ट से सामने आई है। पटना एयरपोर्ट पर यात्री ने किया इंडिगो की फ्लाइट में बम होने का दावा, उसी वक्त ग्राउंड किया गया विमान। हम आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट से उड़ान भर रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। तत्काल एक्शन लेते हुए फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया था। इसके बाद इंडिगो की फ्लाइट की तलाशी ली गई, जिसकी संख्या 6E2126 है। कल यानी 21 जुलाई के रात पटना एयरपोर्ट से उड़ान भर रही एक फ्लाइट में यात्री ने बम होने का दावा किया। हालांकि जानकारी मिलने के बाद फ्लाइट को टेक ऑफ करने से रोक दिया गया था और फ्लाइट को ग्राउंड किए जाने के बाद उसकी तलाशी ली गई थी। हालांकि यात्री के दावे के मुताबिक फ्लाइट से कोई बम बरामद नहीं हुआ और फ्लाइट की तलाशी पूरी होने के बाद आज सुबह उस फ्लाइट को रवाना किया गया। सूत्रों की माने तो पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2126 के उड़ान भरते समय ऋषि चंद सिंह नाम के यात्री ने दावा किया कि उसके पास एक बम है, जिसके बाद फ्लाइट को रद्द कर पूरे विमान की तलाशी ली गई। पुलिस ने ऋषि चंद को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। बम निरोधक दस्ते ने फ्लाइट की बारीकी से जांच की, हालांकि फ्लाइट से कुछ नहीं मिला, लेकिन एहतियात के तौर पर उड़ान रद्द कर दी गई और सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतार लिया गया। एयरपोर्ट पुलिस का दावा है कि फ्लाइट में बम होने का दावा करने वाला यात्री ऋषि चंद सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।